एक शैतान की कहानी, वो जिसे संत कहा गया, पापा जी की उपमा मिली। संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। 23 साल की उम्र में ही बरसों पुराने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी मिल गई। उसका नाम हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी हो गया। लेकिन आज वो एक आम कैदी है, अपनी ही शिष्य के साथ बलात्कार का दोषी है, जिसे रोहतक की सुनेरा जेल में बंद किया गया है। संत बनने से पहले गुरमीत का भी एक सामान्य सा परिवार था, जिसे उसने त्याग दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम दोगलेपन की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए वो अपने परिवार का मुखिया बना रहा। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं थी। उसके पिता मगहर सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में जमींदार थे। माँ नसीब कौर पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगहर सिंह अपने शुरुआती दिनों में ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए थे। इस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना जी ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया। जाट और खत्री सिखों ने कभी इन लोगों को अपने बराबर नहीं माना। मगहर सिंह जाट सिख थे। डेरे में मस्ताना के उत्तराधिकारी बने शाह सतनाम खत्री सिख थे। मगहर सतनाम शाह के समर्थक थे और अपने गुरु के धार्मिक विचारों को फैलाने में वो हमेशा आगे रहे। मगहर सिंह का बेटा गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आ गया था। गुरमीत का एक दोस्त था गुरजन सिंह। अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद उसे जेल हो गई थी। जेल में गुरजंत को खालिस्तानी उग्रवादी मिले, जिन्होंने उसे कट्टर अलगाववादी बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद गुरजंत खालिस्तानी आतंकवादी बन गया और तेजी से अपने नंबर बढ़ाने लगा। इस दौरान गुरमीत पूरे दिन डेरे में काम करता, उसे जो भी बताया जाता वो करता। ट्रैक्टर वगैरह चलाने में भी वो अपने पिता की मदद करता था। उन्हीं दिनों डेरा प्रमुख शाह संतनाम ने सभी को चौंकाते हुए घोषणा कर दी कि डेरे का नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर वो संन्यास ले लेंगे। उस समय गद्दी के 3 उम्मीदवार थे, गुरमीत भी उनमें से एक था। सभी की उम्मीदों के पलट शाह सतनाम ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे नाम दिया गया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। हालांकि इसमें किसी तरह की हिंसा और धमकी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि गुरमीत के उभरने के पीछे गुरजंत की बदनाम छवि थी। गुरजंत को बाद में सुरक्षा बलों ने मोहाली में मार गिराया था, लेकिन डेरे का नया मुखिया पिछले संतों की तरह सादा जीवन उच्च विचार वाला नहीं था। चमचमाते कपड़ों के प्रति उसका प्रेम बाद में उसकी पहचान ही बन गया। खुद को आयुर्वेदिक घोषित करने से पहले ही उसके 3 बच्चे हो चुके थे, 1 बेटा और 2 बेटियां। अपने जिस परिवार को उसने सार्वजनिक तौर पर त्याग दिया था वो डेरे में उसी के साथ रहता था, वो साधिकाओं से घिरा रहता। बाद में उसने एक और जवान लड़की हनप्रीत को अपनी बेटी घोषित कर दिया। ये तीनों लड़कियां खुद को पापाज एंजल बुलाती थी। डेरे के बाकी श्रद्धालु ही गुरमीत को पिताजी या पापाजी बुलाने लगे। गुरमीत की दोनों बेटियां अमरप्रीत और चमनप्रीत की शादी ऐसे लड़कों से हुई जिन्हें बाबा राम रहीम ने फैंसी राम दे रखे थे। गुरमीत की दोनों बेटियों ने मैसेंजर बोट सीरीज की उसकी फिल्मों में काम किया। गुरमीत के दामाद डेरा के बिजनेस को संभालने में उसकी मदद करते थे। गुरमीत के बेटे जसमीत इंसा की शादी पंजाब की कांग्रेसी विधायक हुसमीत कौर से हुई, जिसके नाम के आगे भी अब इंसान लग चुका है। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनाया था।
राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वह अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था, उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी। डेरे के गुंडे इन लड़कियों पर निगाह रखते थे और ये कोई रहस्य की बात नहीं थी। गुरमीत के प्राइवेट क्वार्टर्स की सुरक्षा में उसके गैंग की वो लड़कियां हमेशा तैनात रहती थी जिन पर वो भरोसा करता था। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती की माफी के जैसा था। बाद में कुछ महिलाओं ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन दो महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 2002 में गुमनाम रहकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी भेजने वाली महिला ने सीबीआई कोर्ट में बताया कि 28 और 29 अगस्त 1999 के दरमियान रात पिताजी ने माफी देने के लिए उसे अपनी गुफा में बुलाया था। गुरमीत के साथ न देने पर उसे हत्या की धमकी दी गई। इस रेप की वजह से उसे डेरे की हकीकत पता चली। जब महिला ने अपने भाई को इसके बारे में बताया तो वह अपनी बहन के साथ डेरा छोड़कर चला गया। बाद में उसकी हत्या हो गई। डेरे के अंदर और भी कई महिलाएं थीं जो नाउम्मीदी और डर की वजह से चुप रहीं। उस राक्षस ने अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें अय्याशी की जिंदगी दे दी, लेकिन जिन लड़कियों को अपनी बेटी कहता था उन्हें शिकार बनाया, उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया। उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं छोड़ी कि वो नजर उठा के जी सकें।